सूरजपुर से खबर है जहां पर एक्शन में सीएम भूपेश बघेल, डीएफओ और महिला रेंजर को सस्पेंड करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रतापपुर के गोविंदपुर में सीएम ने ये कार्रवाई की है। गौठान संबंधित शिकायत पर ये कार्रवाई की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही है जहां पर एक्शन में दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गौठान संबंधित शिकायत पर ये बड़ी कार्रवाई की है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। तो सूरजपुर से ये खबर है जहां पर एक्शन में दिखाई दिए सीएम भूपेश बघेल, डीएफओ और महिला रेंजर को सस्पेंड करने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। तो प्रतापपुर के गोविंदपुर में सीएम ने ये बड़ी कार्रवाई की है। गौठान संबंधित शिकायत मिली थी जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर ये बड़ी कार्रवाई की गई और आपको बता दें कि निलंबित कर दिया गया है। और साथ ही लगातार इस तरह जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दौरे पर हैं विधानसभा क्षेत्रों के, ऐसे में जब भी उनके पास अगर कोई शिकायत आती है तो उस मामले पर वो लगातार कार्रवाई भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये बड़ी खबर आ रही है प्रतापपुर के गोविंदपुर में सीएम ने ये कार्रवाई की है। गौठान संबंधित शिकायत उनके पास आई थी जिसके बाद उन्होंने इस मामले को लेकर कार्रवाई की। तो खूब यहाँ पर एक्शन में दिखाई दे रहे हैं सीएम भूपेश बघेल। और साथ ही आपको जानकारी दे दें कि डीएफओ और महिला रेंजर को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। तो सिकंदर खान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, ज्यादा जानकारी के साथ सीधा रुख करेंगे सिकंदर खान का। सिकंदर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार एक्शन में दिखाई दे रहे हैं, जब से विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर हैं उनके पास कोई भी शिकायत आ रही है या कोई भी शिकायतकर्ता पहुंच रहा है तो वो उस मामले को लेकर ना सिर्फ सुनवाई कर रहे हैं बल्कि कार्रवाई भी कर रहे हैं। अब उन्होंने ये बड़ी कार्रवाई की है, गौठान संबंधित उनके पास शिकायत आई थी जिसको लेकर उन्होंने कार्रवाई की, पूरा मामला क्या है सिकंदर? देखिए आपको बता दूं सबसे पहले कि जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 4 मई से जिस तरह से अपना दौरा शुरू किया हुआ है और सरगुजा संभाग में यह दौरा था, दौरे के पहले दूसरे दिन जो अधिकारी थे अधिकारियों के द्वारा पूरी व्यवस्थाएं की गई थी, लेकिन जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार एक्शन मोड में दिख रहे हैं तो अब जो ग्रामीण है, जो ग्रामीण तबके के लोग हैं और जो शिकायतकर्ता है, जो अधिकारियों से खफा है, कई शिकायतकर्ता है, तो लोग जो है बढ़ चढ़ करके मुख्यमंत्री के हर एक कार्यक्रम में, हर एक जन चौपाल में जहां जहां सीएम पहुंच रहे हैं वहां वहां लोग पहुंच रहे हैं। मतलब कहा जाए कि कहीं ना कहीं सीएम जिस तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं तो उसको लेकर के लोग अपनी शिकायतें, अपनी जो लोगों के काम नहीं हुए उसको लेकर पहुंच रहे हो, यहाँ तत्काल एक्शन भी हो रहा है और तत्काल लोगों का निराकरण भी हो रहा है, जो काम नहीं हो रहे थे उन कामों का यहाँ पर निराकरण भी हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज सूरजपुर क्षेत्र में मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे और ऐसे में आवर्ती क्षेत्र में चराई को लेकर के और गौठान को लेकर के ग्रामीणों के द्वारा शिकायत की गई थी। शिकायत के दौरान मुख्यमंत्री ने डीएफओ मनीष कश्यप को सस्पेंड किया, एक रेंजर को सस्पेंड किया। दूसरी बात आपको बता दूं कि पूर्व डीएफओ उनके द्वारा भी जो शिकायत किए गए थे, कुल टोटल यहाँ तीन अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है, पूर्व डीएफओ के ऊपर भी यहाँ पर उनको भी सस्पेंड किया गया है। जी बिल्कुल, और जिस तरीके से सिकंदर यहाँ पर कार्रवाई तो हो ही रही है और जाहिर है कि एक्शन भी लिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये सिकंदर कि इस पूरे मामले को लेकर ये जो शिकायत आई थी गौठान संबंधित, ये क्या मामला था, क्या शिकायत थी? देखिए आपको बता दूं, अक्सर करके ग्रामीण क्षेत्रों में कई हिस्से जो है वो जंगल में आते हैं, जो फॉरेस्ट लैंड होते हैं, फॉरेस्ट लैंड में आने के कारण जो गौठान बनते हैं और जो गाय, जो मवेशिया, जो किसानों का, जो ग्रामीणों का मवेशी होते हैं, किसानों के मवेशी होते हैं, वो आवर्ती क्षेत्र में चरने के लिए चले जाते हैं, जिस पर डीएफओ के द्वारा रोक, जिस पर फॉरेस्ट विभाग के द्वारा जो पौधे नष्ट ना हो या उसको लेकर के रोक लगाया जाता है, और गौठान को भी लेकर के जो शिकायत है वो लगातार फॉरेस्ट ग्रामीणों के द्वारा किया जा रहा था। तो ऐसे में पूर्व डीएफओ के भी खिलाफ शिकायत हुई थी और वर्तमान डीएफओ, पूर्व डीएफओ भगत जी थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है, वर्तमान डीएफओ मनीष कश्यप थे और एक महिला रेंजर, तीन अधिकारियों को यहाँ मुख्यमंत्री ने सस्पेंड कर दिया है। जी चलिए ठीक, बने रहिए हमारे साथ सिकंदर, आगे और भी खबरों पर अपडेट लेंगे आपसे। तो